घर पे रहना अच्छा लगता है ना? पर कभी कभी बहुत घुटन होती है। डियर मम्मी और पापा, मुझे पता है मैं एवरेज हूं, मुझे पता है मैं किन किन चीजों से जूझ रहा हूं, पर आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से बेहतर बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपको एक ही बात के लिए रोज ताने देने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस टूट जाता है, बुरा लगता है सुनकर। मैं जो करता हूं वो काम आपको छोटा ही नजर आता है। क्यों? मैं सीख रहा हूं ना, धीरे धीरे हो जाऊंगा बेहतर। आपसे कुछ भी बात करना मेरे करियर के लेक्चर में कैसे बदल जाता है, इसलिए मैं बस हाँ में हाँ मिलाता रहता हूं। और आप शिकायत करते हैं कि ये लड़का हमसे बात ही नहीं करता है। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब तक आओगे, हर बार यही सवाल। और ऐसे पूछते हैं जैसे मैं क्रिमिनल हूं और मुझसे पूछताछ चल रही हो। ज्यादा देर किसी से फोन पे बात भी नहीं कर सकते, फिर तो ऐसे लुक्स दिए जाते हैं जैसे मैंने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी हो। हाँ, मैं नहीं बात कर पाता हमारे उन दूर के रिश्तेदारों से। सच्ची बताऊं तो मुझे नहीं अच्छे लगते वो लोग। तो क्या मतलब है उनसे जबरदस्ती मेरी बात कराने का? आप हमेशा अपनी मर्जियां मुझ पे ऐसे क्यों थोपते हो? कभी मेरी भी बात मान लिया करिए। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं जरूरी नहीं कि मुझे भी लगे। मैं वैसे भी ज्यादा ना नहीं बोल पाता, लेकिन अगर कभी बोलूं तो गुस्सा करने की जगह समझ लिया करिए। हाँ, मैं आपके दोस्त के बेटे की तरह होशियार नहीं हूं, पर क्या पढ़ाई में अच्छा होना ही सब कुछ है? उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। मुझे लगता है कभी सही गलत अच्छा बुरा हटाकर हमें बात करनी चाहिए। बहुत कुछ पूछना है आपसे पर हिम्मत नहीं होती। मुझे लगता है ये गैप थोड़ा कम होना चाहिए। घर पे रहना अच्छा लगता है पर कभी कभी बहुत घुटन होती है। इतनी ज्यादा रोक टोक पसंद नहीं, पर अजीब बात है मैं ये बात आपसे कह नहीं पाऊंगा कभी। मेरी हिम्मत ही नहीं होगी।